गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि आयनाइजेशन अ वीक बेस, ठीक है, कंसीडरिंग द आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड H2O, ओके, कंसिडरिंग द आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड H2O, ठीक है। जो हमने पहले हाइड्रोलिसिस किया था उसमें वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, और याद होगा कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच आ रहा था वो 7 से ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वीक बेस है यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच जो है 7 से कम आना चाहिए, ठीक है। सारा प्रोसेस वही है, बस केवल डिफरेंस क्या है कि हम लोग जो है कि यहाँ पे वीक बेस को लेकर के काम करेंगे। तो यहाँ से अगर मान लो कोई बेस है MOH गिव्स H प्लस M प्लस एंड OH माइनस, ओके, OH माइनस, आई बात सुने। तो इसके लिए हम अगर लिखेंगे फार्मूला तो क्या होगा, KH और KB इक्वल टू M प्लस एंड OH माइनस अपॉन में MOH, ओके, ये हमें मिलेगा फार्मूला, ठीक है। और अगर वाटर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जो है कि वाटर H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि OH यहाँ पे ज़्यादा है, इसको नोट कर लो फटाफट सब कोई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके लिए हम बस इसके लिए लिखते हैं के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस एंड OH माइनस, ये हम लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई जल्दी से, फिर उसके बाद जो है कि हम लिख लिया इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के वी एंड के एच, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, फार्मूले को याद में रखना है, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के बी एंड के एच, सब कुछ उसी तरह से है, बस केवल टर्म्स चेंज हो गए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने लिखा था के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी, कैसे आया था ये भी हमने बता दिया था, ठीक है, ये रिलेशन है। इसके बाद हम लोग जो है कि फार्मूले में हम लोग वहां पे क्या देखे थे, एच इक्वल टू एक फार्मूला याद रखना, एच इक्वल टू अंडर रूट के एच अपॉन सी, ये फार्मूला याद है, या हम लोग एच इक्वल टू अंडर रूट के एच इंटू बी भी लिखते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला सबको याद होगा, ठीक है, ओके। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच की जगह पे रख देंगे के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी लिख देंगे, और यहां पे हम लिख देंगे अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी
इंटू वी, ओके। तो ये हमारे दो फार्मूले हो गए, रिलेशन हो गया। जल्दी जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ हमने किया नहीं है। वहां पे के लिखा था, यहाँ पे के भी लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे इस फार्मूले में के एच की वैल्यू उठा करके ये रख दिया। यहाँ पे सी अपनी जगह पे है और आप लोग जानते हैं कि वन अपान सी इक्वल टू वी होता है, ठीक है। अब इसके बाद पी एच हमें निकालना है, पी एच ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चलो अब हम पी एच निकालते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा सबने या नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, हमें बस इन दो फार्मूलों की जरूरत है। अब हम पी एच ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे, सारा कुछ उसी तरह से करना है। पी एच ऑफ सोल्यूशन, तो पी एच ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब हमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन तो पता ही नहीं है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हमें पता करना पड़ेगा। और पता करने के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया था, इसको इरेज कर देते हैं। एक छोटा सा हमने फार्मूला बताया था, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन या OH आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू CH, ठीक है। अब यहां पे हम H की वैल्यू रख दें, H इक्वल टू क्या रखेंगे, अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू सी, ये वाला फार्मूला रख दें। तो यहां से हो जाएगा H प्लस और यहां से हो जाएगा C और ये हो जाएगा अंडर रूट KW KB इंटू सी। अब अगर इस C को अंदर लेके जाएंगे, C को अंदर अगर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW इंटू सी स्क्वायर अपॉन में KB इंटू सी। तो एक C से C कट गया ये, तो यहां से H प्लस इक्वल टू हमारा आ गया KW इंटू सी अपॉन में KB, ये अंडर रूट हो गया, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल उसी तरह से चल रहा है जैसे कि पीछे चल रहा था, ठीक है। चलो भाई अब यहां से हम आगे क्या करेंगे, हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे या हमें पीएच निकालना है, ठीक है। तो ये H प्लस कंसेंट्रेशन हमें पता लग गया, उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको लिखते हैं, तो इस फार्मूले में हम आ जाएंगे pH इक्वल टू माइनस log। अब यहां पे हमारे पास है KW इंटू सी अपॉन KB पावर में 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहां से आया, 1/2 कहां से आया, 1/2 हमारा आया है अंडर रूट से। कहां से आया है, अंडर रूट को हमने हटा दिया तो क्या हो गया, अंडर रूट को हटाने पे हमारा आ गया KW इंटू सी KB अपॉन 1/2। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट में KW इंटू सी अपॉन KB। अब इसके आगे का फार्मूला तो सबको पता होगा, तो अब यहाँ पे हम सीधे आते हैं, लिखेंगे क्या, pH इक्वल टू माइनस 1/2 ब्रैकेट में लॉग KW लॉग KW प्लस लॉग C, ओके, और माइनस लॉग KB, ठीक है। ये हमें मिला KB।
इतना सबको समझ में आ गया होगा, केवल हमने इसको ओपन किया है, ठीक है, इसको हमने केवल ओपन किया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर की हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ फार्मूले हमें शुरू से फिर ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस अंदर लेके जाएं, ठीक है, तो इसको पी के डब्लू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे भी अगर माइनस लगा दें तो यहां पे पी के बी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहां से 1/2 ये हो जाएगा हमारा पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी और प्लस हो जाएगा लॉग सी। ये हमारा फार्मूला आ गया। अभी भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो सब कोई, ऊपर हम इरेज कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एच इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी प्लस लॉग सी, ओके। ये ब्रैकेट खुला तो 1/2 यहां भी हो जाएगा और 1/2 यहां भी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, के डब्ल्यू इक्वल टू पी के डब्ल्यू इक्वल टू 14, ये 14 होता है। तो 1/2 इंटू 14 माइनस 1/2 पी के बी प्लस 1/2 लॉग सी, ओके। तो यहां से हो जाएगा 14, 7 हो जाएगा ये, 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस 1/2 लॉग सी, ठीक है, ये पी के बी है। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। अब इसे देख करके हमें क्या लग रहा है कि पी एच 7 से ज्यादा आएगा या 7 से कम आएगा। यहाँ पे पी एच अगर हम निकालेंगे तो 7 से ज्यादा आएगा या 7 से कम आएगा। तो हमें माइनस आ गया यहाँ पे, तो माइनस का मतलब ये पी एच लेस देन हो जाएगा। यहां से हो जाएगा फार्मूला लास्ट हमारा 7 माइनस 1/2 ब्रैकेट में पी के बी माइनस लॉग सी ठीक है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये वैल्यू जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो 7 से कम है। सिंस यहाँ पे पी एच लेस देन 7 है, लेस देन 7, तो द सॉल्यूशन इज विल बी एसिडिक, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल है। केवल हमें यहां पे ब्रैकेट ओपन करना है, लॉग के फॉर्म में है। लॉग हम लोग जानते हैं कि पी के डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक है। तो उसी तरह से हमने इसको कर दिया, ऐसे इसको कर दिया, लॉग सी को ऐसे छोड़ दिया, कंसंट्रेशन दिया होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया होगा, इस तरह से इसको हम कर लेंगे। तो इसको सबको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वीक एसिड और वीक बेस की तरफ। अब जो दो बचे हैं उसे आप लोग एक होमवर्क दे देते हैं, अगर कहीं नहीं आएगा तो फिर उसको हम बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको।
हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब इसके बाद एक हम और पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट यहाँ पे थर्ड बचा है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके। अब यहां पे एक तरह से मान लो कि जो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो किया है उसी की तरह से यहां पे है, दोनों मिलकर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ये हम होमवर्क देते हैं, देखें सब लोग कर लेते हो, नहीं हो पाएगा तो हम इसको बताएंगे, अगर किसी से नहीं हो पाता है तो हम इसको बता देंगे, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है। चलो तो इसको ये है हमारा होमवर्क, सबको इसको करके हमें कल दिखाओगे, आई बात समझे। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगाने के बाद बफर सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि पीके ए ऑफ द एसिटिक एसिड एंड पीके बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है द पीके ए ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीके बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट CH3COOH4 अमोनियम एसीटेट, ठीक है। अब देखो यहां पे वीक एसिड और वीक बेस है, तो जो फार्मूला हम लोग वहां पे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते थे और जो फार्मूला हम लोग साल्ट ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है और जो फार्मूला तुम लोग इसमें कैलकुलेट करके निकालोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसमें फर्क बस केवल क्या है कि लॉग सी की वैल्यू हट जाएगी, बाकी सारा कुछ उसी तरह से रहेगा फार्मूला, ठीक है। तो इसको हमें जो लगाना है न्यूमेरिकल, तो इसके लिए हमें वीक एसिड वीक बेस का फार्मूला है जो कि एकदम सिंपल फार्मूला है, इसके लिए हमें क्या करना है, बस देखो यहाँ से पीएच इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, फार्मूले में 1/2 है, यहाँ से हो जाएगा Ka- PkA- PkB, ठीक है। ऐसा ही फार्मूला उसमें आ रहा था मगर वहां पे लॉग सी आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब दोनों चीजें यहाँ पे वीक है तो इसका मतलब हम OH कंसंट्रेशन को भी लेंगे H+ कंसंट्रेशन को भी लेंगे, दोनों को लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हमें ये फार्मूला मिलेगा, बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है
सेवन प्लस वन बाई टू पी के बी, पी के ए की वैल्यू हमारी है 4.76 और ये है 4.75, तो कितना आएगा ये पता ही है, ये हमारा आएगा 01, तो 7 प्लस 1 बाई 2 इंटू 0.01, ठीक है। और ये हमारा कितना आएगा ये तो पता ही है, 7 प्लस 0.0005, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7.0005, लगभग क्या आया, न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा आया, न्यूट्रल से क्या आया थोड़ा ज्यादा। इसको नोट कर लो, सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल रहेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देख लिया जाए क्या, नहीं अभी, यस बता दिया जाएगा, अभी तो एडमिशन का प्रोसेस तो कंप्लीट है, तो ये क्लियर है, यहाँ पे हो गया, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करें तो उस सॉल्यूशन के पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आई बात सुनने। तो सॉल्यूशन इन विच ऑन एडिंग वन और टू ड्रॉप ऑफ एसिड और बेस पीएच ऑफ सॉल्यूशन डजंट अफेक्टेड बाय द एसिड और बेस, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हूज pH is not affected by adding one or two drop of acid और बेस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन, ठीक है। द सॉल्यूशन हूज पीएच इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग वन और टू ड्रॉप ऑफ द एसिड और बेस इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे सॉल्यूशन में होता क्या है, ओके नोट कर लो इसको जरा सा। नोट हो गया, ऐसा क्या होता है कि ऐड करने पे बफर सॉल्यूशन पे रजिस्ट हो जाता है, ऐसा सॉल्यूशन जो है कि बुक में और भी तरह से डिफिनेशन दिया होगा कि द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच ऑन एडिंग द एसिड और बेस, सच सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन एंड सच एक्टिविटी इज नोन एज बफर एक्टिविटी, ओके तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, एक और डिफिनेशन तब बना लेते हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देते हैं और
the solution which resist change of pH on adding one or two drop of acid or base is known as ऊपर लिख देते हैं इसको known as buffer solution and such activity of solution is known as buffer activity. Okay, ऐसा सोल्यूशन जिसके पीएच में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर एसिड बेस हम कुछ ऐड करते हैं, एसिड और बेस थोड़ा सा भी ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बफर एक्टिविटी। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ बफर एक्टिविटी देखेंगे कि कितने तरह का ये बफर एक्टिविटी या बफर सोल्यूशन होता है। टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन, इसको इरेज कर देते हैं, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन लेंगे, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। ओके, यहां से हमारा पहला है एसिडिक बफर और दूसरा हमारा है बेसिक बफर। तो ये दो तरह के हमारे सोल्यूशन हो गए, और बेसिक की जगह पे हम जो हमारे कोर्स में है उसको लेते हैं न्यूट्रल बफर। अब ये जो सोल्यूशन है खुद बता रहे हैं कि किस तरह के सोल्यूशन है और क्या हमें ऐड करेंगे तो इसके जो है कि एक्टिविटी पे, इसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम क्या चीज़ें इसके अंदर अटैक कर, अभी हम इसको डिटेल में नहीं, अभी ऐसे इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर इसको डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखो एसिडिक बफर लिखा है, यानी कि सोल्यूशन और बफर सोल्यूशन इन विच इफ वी ऐड, एसिडिक बफर लिखा है यहाँ पे, इफ वी ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ बेस देन द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डू नॉट चेंज। बफर सोल्यूशन का पीएच क्या है, चेंज नहीं होता, नाम यहाँ पे पड़ा है एसिडिक बफर, यानी वो हमारा जो बफर सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि अगर हम उस सोल्यूशन के अंदर बेस डालें तो बेस डालने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई बात समझ, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल बफर है, तो न्यूट्रल बफर है क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, कि वो लगभग जो है कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है,
जो हमारा न्यूट्रल बफर होता है वो न्यूट्रल बफर किसका बना होता है, न्यूट्रल बफर जो हमारा होता है वो वीक एसिड और वीक बेस का बना होता है, जिसका पीएच न्यूट्रल बफर से पॉइंट के थर्ड पॉइंट तक यानी कि 7.005 तक जो है कि वो उसकी वैल्यू आती है वो लगभग न्यूट्रल होता है। तो एसिडिक कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करते हैं तो एसिडिक कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा बेस ऐड करते हैं तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अगर हम जो है कि न्यूट्रल कंडीशन में अगर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा होता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे और क्या इसका यूज़ है, ठीक है, और बेसिक बफर भी देख लिया जाएगा एक बार, बफर कैपेसिटी भी देख लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है?